हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो कोई गेमिंग वीडियो नहीं होने वाली, एक ट्यूटोरियल होने वाला है जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि BGMI आप एमुलेटर पे कैसे खेल सकते हो ब्लू स्टैक्स पे विदाउट एनी लैग। तो उसके लिए एक ट्रिक है, वो आपको करना पड़ेगा कंप्लीट। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि गेम कैसे इंस्टॉल करते हैं, ब्लू स्टैक्स इंस्टॉल कैसे करते हैं। कोई भी ब्राउजर पे जाओ, वहाँ पे ब्लू स्टैक्स टाइप करो, उसके बाद आपको इंस्टॉल करना है, यहाँ पे क्लिक करके इंस्टॉल करो। मेरा पहले से इंस्टॉल्ड है बट फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इंस्टॉल करना है। ओके, सो यहाँ पे इंस्टॉल होने के बाद इसको ओपन करना है ऑब्वियसली। सो बेसिकली इंस्टॉलेशन सबको पता है क्या है। सो यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, मेरा लॉन्च है, पहले से इंस्टॉल्ड है। ओके, उसके बाद आपको ब्लू स्टैक्स ओपन करना है, इस पर खुल जाएगा। यहाँ पे प्ले स्टोर होगा, इस पर क्लिक करो और यहाँ पे BGMI इंस्टॉल करना, BGMI यहाँ पे आ जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद प्ले स्टोर खुलेगा, वहाँ पे इंस्टॉल कर लेना गेम को। जब आप गेम ओपन करोगे तो ऐसा कुछ एक ब्राउजर खुलेगा। ओके, उसके बाद ये गेम स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो उससे पहले गेम स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पे अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन हाई है तो आप 4 कोर्स 4GB यहाँ पे रख सकते हो, हाई परफॉर्मेंस करो, 60fps रखना है। मेरा 1080 वाला डिस्प्ले है तो मैं यही चूज़ करूँगा। ओके, सो यहाँ पे 240 dpi करो। ग्राफिक्स में कंपेबिलिटी में करो, ग्राफिक्स रेंडर ओपन जीएल जो डिफॉल्ट है वही रखो। यहाँ पे अगर आपका ग्राफिक्स हाई है, सीपीयू अच्छा खासा है तो हार्डवेयर पे कर दो, नहीं तो डिसेबल रखो उसको, ठीक है। उसके बाद आपको फ़ोन पे जाना है और OnePlus 5 पे क्लिक कर देना है और जियो पे रख दो। मेरा यही डिफॉल्ट सेटिंग्स था, अच्छा चल रहा है इसलिए मैंने इसको यही पे रखा है। ओके, ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा गेम यहाँ पे खुल चुका है और ये एकदम स्मूथ चल रहा है, कोई लैग वैग नहीं हो रहा है। लेकिन मेरा इससे पहले लैग होता था, बहुत ज़्यादा लैग होता था। अब देख सकते हो एकदम स्मूथ चल रहा है गेम ये। ओके, सो इसको क्लोज करने के बाद आपको एक मैं चीज़ बताने वाला हूँ, वो करना है आपको। अगर जिसका भी गेम लैग हो रहा है, ब्लू स्टैक्स बहुत लैग कर रहा है, मतलब एकदम स्मूथली ओपन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, आपको जाना पड़ेगा कंप्यूटर के बायोस के सिस्टम पे। तो आपको उसके लिए सेटिंग्स पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे सेटिंग्स पे जाओ, सेटिंग्स खुलने के बाद अपडेट सिक्योरिटी पे जाओ और रिकवरी में जाना है, यहाँ पे रिस्टार्ट नाउ करो, ठीक है। तो रिस्टार्ट करने के बाद ऐसा कुछ ऑप्शन खुलेगा, तो उसके बाद आपको जाना है ट्रबल शूट पे क्लिक करना है। ट्रबल शूट पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है एडवांस ऑप्शन पे, इस पे क्लिक करने के बाद जाना है आपको। तो जिसका इंटेल का सिस्टम है उसमें ये ऑप्शन आने वाला है, इस पे क्लिक करो फर्मवेयर सेटिंग्स पे। ओके, उसके बाद रिस्टार्ट करना है। ओके, तो उसके बाद आपको जाना है एडवांस मोड पे, ये जो एडवांस मोड है ना इस पे क्लिक करना है। उसके बाद ऐसा कुछ ऑप्शन खुलेगा, वापस यहाँ पे एडवांस्ड है उस पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सीपीयू कॉन्फ़िगरेशन आने वाला है, इस पे क्लिक करना है आपको। तो उसके बाद आपको जाना है इंटेल वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी पे, ये डिसेबल रहेगा, इसको एनेबल करना है। तो उसके बाद आपको सेव करना है और रिस्टार्ट करना है। उसके बाद आपका जो ब्लू स्टैक्स है, जो लैग था, वो सब चला जाएगा, एकदम स्मूथ चलने वाला है आपका। अगर इंटेल वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी नहीं मिला आपको और ये 3 मिले इसमें से कोई मिला तो उसको ऑन करना है किसी एक को, ठीक है। ये तीनों में से कोई एक रहेगा ही, ठीक है। ओके, सो जिसका AMD का है उसका कुछ ऐसा रहेगा और ये ASUS का मदरबोर्ड है इसलिए इसका सिस्टम अलग दिख रहा है। ओके, अभी यहाँ पे भी आपको जाना है एडवांस मोड पे, नीचे F7 दिख रहा है, ठीक है। इस पर क्लिक करो, गो टू एडवांस, वापस रहेगा एक ऑप्शन नेक्स्ट में CPU configuration। तो आपको बेसिकली सबसे पहले देखना है CPU configuration, CPU related जो भी ऑप्शन रहेगा उस पर क्लिक करके देखना है आपको, अगर वो ऑप्शन मिला तो, ठीक है। तो जिसका AMD रहेगा उसमें रहेगा CVM मोड। ओके, सो मेरे पास AMD है इसलिए मेरे पास ये ऑप्शन था CVM मोड, तो मैंने भी यही एनेबल किया था। सो जिसका AMD है वो CVM मोड पे जाएगा, ठीक है। और उसके बाद सेव करके रिस्टार्ट कर देना है आपको। AMD का भी अलग अलग ऑप्शन रहेगा मदरबोर्ड के हिसाब से, ये चारों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा उसको एनेबल करना है आपको, ठीक है। ओके, ये सब होने के बाद आपका जो गेम है, आपका जो ब्लू स्टैक्स है, एकदम स्मूथ चलेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, एकदम स्मूथ गेम चलेगा आपका, ठीक है। ओके, सो गाइस, आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जिसने भी इस वीडियो को एंड तक देखा, मेक श्योर वीडियो को लाइक करो एंड प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि इस ट्रिक ने आपकी हेल्प की कि नहीं। ओके, सो गाइस, मिलता हूं मैं आपसे कोई ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।